वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। और ये आपको पता है, इस सेगमेंट में हम, ये वाला हमारा सेशन है, इसमें हम हमदोनाथ शामिल करते हैं। और आज जादू जिन्नात के हवाले से जो सवालात आपने हमें लिख भेजे थे, उनके जवाबात हम शामिल करेंगे। मौजूद मेहमान जो मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनका आपको तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौमान फारूकी साहब। वैसे तो ये हमारी तस्हीह करवाते हैं, अगर कोई चीज़ या कोई लफ्ज़ गलत हो जाए वो ठीक करवाते हैं, लेकिन आज हमदोनाद के लिए हमने इनको मधु किया है। सर, अस्सलाम वालेकुम नौमान साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और इनके साथ बाबर फारूक रहीमी साहब मौजूद हैं, माहिर जादू जन्नात के हवाले से हम इनको मधु करते हैं और इनको भी हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, निज़ामी साहब। पहले चलते हैं मोहम्मद नौमान फारूकी साहब की जानिब और इनसे जानते हैं कि आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं। नौमान भाई, रमज़ान गुजरा है ताज़ा ताज़ा, तो मैंने कहा चलें कुरान की फरियाद कि कुरान क्या हमसे तकाजा करता है। वो एक शायर गुजरे हैं माहिरुल कादरी, अच्छा, उन्होंने बड़े प्यारे पेराए में इनको जबान दी है, इन जज्बात को। अच्छा, यानी ना हमद है ना नात है, ये है कुरान की फरियाद। बड़ा कैची वर्ड आपने एकदम से बोला जी। प्लीज सुनाइए प्लीज। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इतर की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ, दिल सोज से खाली रहते हैं, आंखें हैं के नम होती ही नहीं, दिल सोज से खाली रहते आंखें हैं के नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक एक जलसा में पढ़कर सुनाया जाता हूँ, कहने को मैं एक एक जलसा में पढ़ पढ़ कर सुनाया जाता हूँ, नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार रू हंसाया जाता हूँ, एक बार हंसाया जाता हूँ, सौ बार रुलाया जाता हूँ, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते से भी सताया जाता हूँ,
ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता अल्लाह सुभान अल्लाह। नमान साहब, आपने जो पढ़ा है कलाम, बेशक जिनका भी है अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, बल्कि बाबर भाई आपको भी शामिल करूँगा गुफ्तगू में, एक ऐसी फील नहीं थी कि जैसे कुरान हमसे मुखातिब है जी, इन लफ्ज़ों में जी। आप तो माशाल्लाह इन मामलात में मुझसे कहीं आगे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कुरान मुझसे मुखातिब है, शिकवा कर रहा है, शिकवा कर रहा है कि तुमने मुझे कब से नहीं खोला जी जी, तुमने मुझे खुशबू लगा दी, तुमने मुझे गिलाफ में रख दिया, फूल लगा दिए, मुअत्तर कर दिया खुशबू, खुसूसन रमजान के बाद, खुसूसन रमजान के बाद, रमजान और मुबारक में चलो कुछ लोग तिलावत करते हैं, इस पर गौर व फिक्र करते हैं, तर्जमा भी पढ़ते हैं, जो ही रमजान गुजरता है तो उसको गिलाफ में ढांपा और फिर उसको अलमारी में बंद कर दिया या ऊपर सजा के रख दिया, तो या फिर ये अदालतों में पंचायतों के लिए रह गया, जैसे भी फरमा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने कलाम में पढ़ा कि बस दोस्ती करनी है, आपने लड़ाई ख़त्म करनी है तो मुझे उठा लें आप, और आपने मुझे चूम के रख दिया है, आपने मुझसे वो इल्म हासिल नहीं किया जो अल्लाह ने दिया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया जी, जज़ाए खैर। और वैसे लगता भी ऐसे है कि जैसे आज ये कलाम लिखा है जी, बिल्कुल, और लगता है जैसे आपसे और मुझसे मुखातिब है, आपके और मेरे लिए, हमारे लिए, हमसे मुखातिब, हमसे मुखातिब है। डेफिनेटली ये सोच तलब बात है और हमें ख़ुद से ही इसको ठीक करना होगा। बहुत शुक्रिया नुमान भाई। सर सवालात मेरे पास काफ़ी हैं माशाल्लाह, और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको कॉल्स भी आ रही थी जी जी, आप मसरूफ़ी थे इन्हीं चीज़ों में, तो हमने कहा थोड़ा वक्त आपका ले ही लिया आज इसके लिए, जिसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं जी, मैं पैगाम टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आवाम के लिए भी और अल्लाह की मखलूक के लिए भी सोचते हैं और परेशान लोगों के लिए भी सोचते हैं, और फिर इन लोगों को जो पेशावर हैं या जो जाली आमल बने हुए हैं उनसे बचाने की भी पैगाम टीवी और उनकी टीम को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारी ये काविश कबूल करे, आमीन, आमीन आमीन। पहला सवाल है सर के, मेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं, जब ससुराल में होती हूँ तो अकेलापन महसूस करती हूँ, जब शौहर साथ हो तो फिर ठीक हो जाती हूँ, जब माँ बाप के घर जाती हूँ तो खुश होती हूँ, जब वापस आती हूं तो रास्ते से ही परेशानी शुरू हो जाती है कि अब फिर ससुराल जाना है, ससुराल के लोग मेरी इज्जत करते हैं फिर भी मेरा दिल वहां नहीं लगता, किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू वगैरह तो नहीं किया हुआ, हमारी बहन परेशान है, ये 9 ब्याहता हैं जी। नवीद साहब, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँ आपके तवस्सुत से पैगाम टीवी के नाज़रीन के लिए कि हमें जो जादू का मरीज़ है उसकी अलामात को देखना चाहिए कि अलामात क्या हैं जी। हर काम में जादू रुकावट नहीं होता, हर काम में जादू जो है वो माने नहीं होता, देखना ये है कि क्या इस मरीज़ को इसके अलावा भी कोई परेशानी है जो उसकी अलामात आती हैं जी, वो अलामात क्या हैं। जो जादू और जिन्नात का मरीज़ है उसके ये कंधे जो हैं वो भारी रहेंगे, उसे ऐसे फील होता है जैसे मेरे कंधों पे बहुत बोझ है, वज़न डाला हुआ है, असाबी दबाव और असाबी खिंचाव ये जादू के मरीज़ पर और जिन्नात के मरीज़ पर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, अहम अलामात में से जी, जी, जी अहम अलामात, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा असरात हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो ये मरीज़ है सोने और जागने की दरमियानी कैफियत, जब इंसान सोने लगता है ना अभी पूरी नींद में नहीं जाता कि वो झटके से उसका जिस्म को झटका लगता है और इंसान की आंख खुल जाती है, ख्वाब में ये भी देखता है कि वो ठोकर लगी है वो गिर गया है, वो सीढ़ी पे चढ़ा है तो नीचे से सीढ़ी खिसक गई है गिर गया है, यानी कोई भी इस तरह का उसको आता है अचानक कि वो या तो वो जाग जाता है या फिर उसके जो पास लोग बैठे हैं वो फील करते हैं, उसको नहीं पता होता कि उसका जिस्म जो है ना ऐसे झटके खाता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं तबकना, ओके, तबकता है जिसमें इंसान का, तो अगर तो ये अलामत पाई जाती है तो इसका मतलब है कि उस पर ये जादू के असरात हैं। फिर जादू के असरात में ये भी है कि इंसान भूलता है,
उसका उसको नसियान की बीमारी भी लगती है, याददाश्त कमज़ोर, उसका हाफजा कमज़ोर होता है, ठीक है, उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया। फिर उसके अंदर एक वहम सा आ जाता है, इस्तंजा करता है तो बार बार करी जाता है कि शायद कोई कमी ना रह गई हो। वुजू करने लगता है तो मुंह धो रहता है, पता नहीं मैंने तीन बार धोया है, एक बार धोया है, फिर वो बाजू धोए जा रहा है कि सही नहीं धुला, फिर इधर से रह गया, इधर से रह गया। और वो नमाज़ पढ़ता है तो उसके अंदर भी उसके लिए प्रॉब्लम पेश आती है कि मैंने दो रकत पढ़ी हैं, मैंने चार पढ़ी हैं, तीन पढ़ी हैं, उसके अंदर वो भूल जाता है। तो ये फिर वो काम कोई सोचता है कि मैंने कर लिया है, नहीं किया। तो ये अलामात हमारी बहन को देखनी चाहिए। अच्छा, अगर तो इन अलामात में से कोई अलामत पाई जाती है तो फिर तो कहा जा सकता है कि उस पर जी ऐसा मर्ज़ लाहक है, लेकिन अगर नहीं तो फिर ये एक जस्ट एक वहम है। और वैसे भी मतलब कि उसका दिल नहीं लग रहा, अभी ज़ाहिर है कि वहाँ का माहौल नया है, एटमॉस्फेयर नया है, वहाँ के लोग नए हैं, वहाँ के चेहरे नए हैं, वहाँ के दर दीवार नए हैं, तो उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा एक वक्त लगेगा। जहाँ पे आप ज़िंदगी के इतने साल गुजार के आए हैं और अब चंद माह में वो एडजस्ट होना आपके लिए मुश्किल है। जी, उसके लिए ये है कि हमारी बहन जो है वो ला हौला वला कुव्वता था इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, ये कसरत के साथ पढ़े, वो कसरत के साथ इसका विर्द करे, वजीफ़ा करे, इंशाल्लाह उसका दिल लगेगा इंशाल्लाह ताला। और थोड़ी कोशिश भी करें कि खुद भी एफर्ट करें, लोगों में घुल मिल जाएं, वक्त दें अपने आप को, इस रिश्ते को वक्त दें, तो अपनी नंद को, बेहतर करेगा। अपनी देवरानी को, अपनी जेठानी को, अपनी सास को, उनको वक्त दें, उनके साथ गपशप लगाएं, जी इंशाल्लाह ताला माहौल बेहतर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर अगला सवाल है कि मेरी उम्र गुजरती जा रही है लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा, मुझे वहम है कि किसी ने मेरे रिश्ते में रोक लगा रखी है, क्या मेरा ये वहम है या हकीकत में भी ऐसा हो सकता है, बराहे करम इसका कोई रूहानी इलाज या वजीफ़ा बता दीजिए। देखिए जी, इसमें नवीद साहब बात यह है कि जो मैंने अभी जादू की अलामत बताई हैं वो भी हमारी इस बेटी को, बहन को नोट करनी चाहिए जी, कि क्या उन अलामत में से कोई उसके अंदर अलामत पाई जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जादू नहीं होता, जिन्नात होते हैं, बल्कि अगर जिन किसी पर आशिक है या उस पर साए का असर है, बाज़ार नहीं उसको फील होता जी, महसूस होता, तो फिर भी ऐसा हो जाता है कि इस जादू के साथ और इस जिन्नात के साथ वो चेहरा तो बड़ा खूबसूरत है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, लेकिन देखने वाला उस जादू की वजह से उसको ऐसे फील लगता है जैसे ये खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है, बदसूरत है, अच्छा इसका रंग ठीक नहीं है, या फिर उसका बैठना उठना ठीक नहीं है, उसकी गुफ्तगू ठीक नहीं है, या फिर वो मरीज़ जो होता है ना, अगर उस पर वाकईतन जादू हो तो फिर वो मेहमानों के सामने कोई ऐसी वैसी कोई हरकत उससे हो जाती है कि जो उनको नागवार गुजरती है। बहरहाल इनको चाहिए कि ये इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 100 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें, और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से इनका रिश्ता जो है वो हो जाएगा। अगर बंदिश है तो वो दूर हो जाएगी, कोई रुकावट है, अगर नहीं भी है तो तब भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से रिश्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आसानियां करे। और ये अमल कब तक जारी रखें? जब तक हो नहीं जाता। अच्छा, रूटीन में भी अगर करते रहें जी जी, तो उसके फवायद, अल्लाह का कलाम है सूरतुल फातिहा, ये बीमारियों के लिए शिफा है, अमराज के लिए शिफा है, दुखों का इलाज है, तो इससे बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। ठीक है, और अगर ये फील करें कि कोई 3 हफ्ते गुजरने के बाद कि कोई इसमें कोई नहीं हो रहा, तो फिर जो इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन है, जब वो इस आयत पर आएँ तो फिर इस आयत को वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, रिपीट करें इसे बार जी जी, इस उसकी गिनती जी कोई जी, नहीं। जी जी, इस आयत को वो 21 मरतबा कर लें, 41 मरतबा कर लें, या 100 मरतबा सिर्फ इसी आयत को करें। इसका मतलब भी ये है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ठीक है, रिश्तों के लिए मदद भी अल्लाह से मांगनी चाहिए, ये रुकावटें दूर करने के लिए भी मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए, जितनी बंदिश है उसके खात्मे के लिए भी हमें अल्लाह की तरफ ही रुजू करना चाहिए। जब हम सिद्क के दिल से ये कहेंगे कि अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो फिर अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरे बंदे मैं तेरी मदद करूँगा।
मैं तेरे लिए काफ़ी जी, मैं तेरे लिए काफ़ी, और उसी से ही मदद मांगनी चाहे कोई भी काम हो। जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ और फरमाइएगा, सूरह बकरा के लिए बड़ा कहा जाता है कि आप उसकी तलावत करें या उसको बाकायदा सुने, वो भी हो सकता है? हदीस पाक के अंदर आता है कि सूरह बकरा की तलावत जहाँ पर की जाती है वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। जी। फिर सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू, वो जिस मरीज़ पर दम किया जाता है, जिन्नात और जादू के मरीज़ पर, उसको भी अल्लाह पाक शिफा देते हैं। ठीक है। तो ऐसे हालात में अगर अपने घर के अंदर दिन में सूरह बकरा की तिलावत चलती रहे तो वो बायस बरकत भी है, बायस रहमत भी है। ठीक। और इंशाल्लाह अगर घर के अंदर शयातीन हैं जी तो इंशाल्लाह वो भाग जाएंगे। लेकिन वही अलामात हैं कि अगर वो फील करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक दो और अलामात का भी इजाफा कर दूँ जी, कि जो जिन्नात का मरीज़ है ना, वो अकेले बैठा है ऐसे तनहा, तो उसे फील होता है कि जैसे पीछे कोई है, लेकिन होता कोई नहीं, लगता है कुछ जैसे है। फिर वो कमरे में बैठा है, कुछ थोड़ा सा दरवाज़ा खुला है, थोड़ा सा बंद है, तो उसे फील होता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई गुजर के गया, लेकिन गुजरा कोई नहीं होता। ये सब वहम है? ये वहम है और ये जिन्नात के मरीज की अलामत है। ओके। फिर उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसे होता है जो इस मरीज़ पर इससे थोड़ी सी शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो उसको आवाज़ आती है। अच्छा। नवीद निज़ामी, आप मुड़ के देखेंगे कोई भी नहीं है, फिर आप कहेंगे पता नहीं मेरा वहम है, लेकिन वो आवाज़ आई है। तो ये अलामत अगर पाई जाती हैं कि उनको फील होता है कि पीछे कोई है, कोई गुजर के गया है, या कोई आवाज़ आई है जी, तो फिर सूरह बकरा की तिलावत जो है ना वो घर के अंदर रोज़ाना चलनी चाहिए, आवाज़ बुलंद जो है, ताकि वो मोबाइल पर चले, वो लैपटॉप पे चले, वो स्पीकर पे उसका एहतमाम कर लिया जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसकी बरकत से सूरह बकरा की, अल्लाह के कुरान की, इंशाल्लाह ये मामला ठीक हो जाएगा। एक सर और चीज़ भी यहाँ पर ऐड कीजिएगा प्लीज़, समझ लग जाएगी उससे। कुछ लोग अकेले रहते हैं बामर मजबूरी, पाकिस्तान में या परदेश में, उनके अकेले रहने पे भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिस तरह नफ्सियाती मसाइल होते हैं या इस तरह जादू जिन्नात वाले मसाइल होते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि हम अकेले रह रहे हैं और हमें कभी कभी आवाज़ आती है अस्सलामु अलैकुम, तो इस बारे में भी प्लीज़ बताइए। जी देखें, जो तन्हाई है ना जी, या अकेलापन है घर के अंदर, अच्छा बाज़ का तो ये भी होता है कि घर में अकेले नहीं है बंदे जी, बंदे ज़्यादा हैं लेकिन ऊपर वाला पोर्शन खाली है। ठीक है। तो खाली जगह पर ही जिन्नात का डेरा होता है, जहाँ पर इंसान बसते हैं वहाँ जिन्नात नहीं होते, वहाँ भाग जाते हैं, खा वो अच्छे हो या शरीर हो, या शरीर दोनों। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर रोशनी हो वहाँ पर भी जिन्नात की आमदरफ्त कम है, अंधेरे में जहाँ एक कमरा है वो बंद रहता है, स्टोर है, ऊपर वाला पूरा फ्लोर है, कमरे हैं, तो चाहिए ये कि अगर वो बंदा अकेला है, तन्हा है और उसको ऐसी वहाँ पर फीलिंग्स हैं जी, तो फिर वो अपनी वहाँ पर कोई ना कोई लाइट चलती छोड़ के जाए। ठीक है। जब भी वो बाहर जाए तो छोटा बल्ब चलता रहना चाहिए, रोशन रहे, रोशन रहे उसका घर, तो इंशाल्लाह ताला रोशन रहने से ये मामला जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है। ले सर, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, ये भी शादी से रिलेटेड ही है वैसे। लड़के या लड़की का किसी जगह शादी का इरादा हो लेकिन दूसरी तरफ से कोई मस्बत जवाब ना मिले, तो क्या किसी दम, रूहानी अमल या वजीफे के ज़रिए उसके इनकार को इकरार में तब्दील करवाया जा सकता है, और अगर ऐसा करना मुमकिन है तो क्या ये जायज़ है? देखिए जी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सवाल आपने किया है, बड़ा अहम सवाल है और अक्सर दीवारों पर लिखा होता है, अखबार में लिखा होता है, महबूब आपके कदमों में। मैं तो वैसे इस जुमले के ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए कि वो महबूब ही क्या है कि जिसको कदमों में लाना है। अल्लाह, महबूब तो आंखों पे बिठाने वाली चीज़ और सर पे बिठाने वाली चीज़ होती है, यस। तो महबूब को कदमों में लाना, ये कोई उसकी इज्जत अफजाई तो नहीं है। बाकी ये है कि इस काम पे और इस नाम पे लोग लूटते हैं, लोगों ने कारोबार बनाया, बिजनेस है बाकायदा, यस। हकीकत यह है कि हम ये समझते हैं और हर मुसलमान को ये समझना भी चाहिए कि अल्लाह कादिर है और अल्लाह कदीर है, बेशक अल्लाह पाक से मांगा जाए, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह पाक जो चाहे कर सकते हैं, माल के कायनात ने कुन कहना है और हो जाना है, हो जाना है। फर्श पे तो कोशिश होती है, रिश्तों के फैसले जो हैं वो अर्श पे होते हैं जी, बिल्कुल। तो जहाँ पर ये फैसले होते हैं वहाँ अपील करनी चाहिए, वहाँ गुजारिश करनी चाहिए, असल अदालत तो जी जी जी, वहाँ मांगना चाहिए, हाँ जी, कि अल्लाह ये ऐसा कर दे जी, तो अल्लाह पाक वो दुआ की जो कबूलियत है वो हो जाएगा। उसके लिए जो है ना वो कम अज़ कम 300 मरतबा अव्वल आखिर, तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी इसलिए अव्वल आखिर मैं कह रहा हूँ,
कि कोई भी दुआ जो है वो दुरूद के बगैर कबूल नहीं होती। अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि दुरूद के बगैर दुआ जो है ना वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती है। जब तक दुरूद नहीं पढ़ा जाता वो दुआ वहीं रुक जाती है। तो दुआ की कबूलियत के लिए जो शुरूत हैं उनमें एक शर्त दुरूद पाक का पढ़ना भी है। अल्लाह पाक की हमदो सना भी है और दुरूद भी है जी। तो ये अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतस्किर, ये आयत पढ़नी है अल्लाह के सामने, इस बात की दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह मैं इस काम में मगलूब हूँ। अगर कोई माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बेटी या बेटी का रिश्ता फलां जगह पर हो जाए तो वो ये दुआ करें कि अल्लाह हम मगलूब हैं, हम नहीं कर सकते, अल्लाह तो उस बाप पैदा फरमा। अगर बंदा खुद ये इरादा रखता है और वो समझता है कि मेरे दीन के लिए और दुनिया के लिए और उसके लिए बेहतर है तो फिर वो ये दुआ अल्लाह से करे। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये जब दुआ करनी है ना अल्लाह से मांगना है तो पूरी तवज्जो के साथ पूरे कंसंट्रेट के साथ मांगना है कि अल्लाह मैं मगलूब हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तू अल्लाह मेरी मदद फरमा, इस मामले में मदद फरमा, इस मामले में इसबाब पैदा फरमा। और आप देखें इंशाअल्लाह ताला ये इतना मुजर्रब अमल है कि अच्छा। ये किसी भी मकसद के लिए किया जाए अल्लाह की मदद आती है और गायबाना मदद आती है और फौरी मदद आती है अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी बंदा खुद कह रहा है या अल्लाह मैं मगलूब हूँ, गालिब तू ही है, रुजू हमने तुझसे ही करना है, तू ही मदद फरमाएगा। जी जी ठीक है। तो हमारे इस सवाल में जवाब ये है कि आप अगर अर्जियां वहां डालते रहेंगे जी 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 तो फिर आपको यकीनन वहां से कबूलियत आएगी। ठीक है सर, अगला सवाल है, जब हम घर की मुरम्मत कर रहे थे तो दौरान मुरम्मत दीवार में से मुर्गी के चूजे का ढांचा निकला जो कि बिल्कुल सालम था, जिसे किसी ने खुद रखा हो ऐसे लग रहा था। मैंने पूछना ये था कि क्या ये जादू का कोई तरीका है और अगर है तो इसके असरात और तहफ्फुज़ का ज़रिया क्या है। ये मुमकिन है कि जब घर की तामीर हो रही हो तो उस पर अमल करके इसको रखा जा सकता है, ये हो सकता जी, है जी ये हो सकता है। और दूसरा ये है कि जिन्नात के ज़रिए मतलब कि अगर कोई जादू इतना सख्त है कि जिसमें जो शियातीन जिन्नात हैं उनको मुतहर्रक करने के लिए भी मुतहर्रक करने के लिए अच्छा। भी ये अमल किया जा सकता है। तो उसका ये है कि जिस घर से निकला है उनके घर वाले पहले देखें कि एक चीज़ है कि जादू का होना, कोशिश करना, एक है कि ठीक है हुआ है लेकिन उसके असरात नहीं हुए, कि क्या वो घर वाले इस पर कोई असरात फील कर रहे हैं। अच्छा सॉरी टू कट यू बाबर भाई, ऐसा भी मुमकिन है कि किसी ने जादू किया लेकिन उसके असरात नहीं हुए, ऐसा भी होता जी है। जी अच्छा, मसलन घर वाले सदका कर रहे हैं रूटीन में, खैरात कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक की ही वो हिफाजत में है, घर के अंदर कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, सूरह बकरा की तिलावत की जा रही है, सुबह शाम के अज़कार किए जा रहे हैं, तो वो जादू नहीं उन तक पहुँचता, वो ज़ायल होता जा रहा है। जी जी वो ज़ायल होता जा रहा है, उसके असरात नहीं हो रहे। ठीक है, दूसरा जादूगर से करते वक्त कोई कमी रह गई है तो वो जादू हुआ नहीं है पूरा, उसका अमल मुकम्मल नहीं हुआ, तो पहले तो देखना यह है कि जादू हुआ भी है या नहीं, नहीं या सिर्फ उसके लिए कोशिश की गई है जी। अगर तो जो अलामात मैंने बताई हैं इनमें वो अलामात वो घर वाले फील करते हैं, घर के अंदर फील करते हैं, तो फिर उसके लिए उसका इलाज सूरत बकरा भी है, तो घर में लगी रहे जी। दूसरा जादू का इलाज है वो सूरह फलक और सूरत नास है, इसकी बाकायदा तौर पर तिलावत की जाए और इसके साथ सूरह इखलास को शामिल किया जाए, ये सारी चीज़ें 11-11 मरतबा सुबह पढ़ी जाएँ, 11 मरतबा शाम को पढ़ी जाएँ, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, और पढ़ कर जो है वो घर में जो सारे घर का तसव्वुर करके पूरे घर में उसको फूंक मारी जाए कि यानी कि मेरी फूंक जो है वो घर के सारे तरफ जो है वो जा रही है, फिजिकली खुद जा के भी फूंक ले पूरे घर। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर ये अलामात पाई जाती हैं और वहाँ पर जादू हुआ है तो इंशाल्लाह ताला इससे ये इसका खात्मा हो जाएगा। ये मुसलसल 41 दिन करें इंशाल्लाह, 41 दिन के बाद बिल्कुल जादू ख़त्म होगा। ठीक है, एक चीज़ और बताइए सर, लकड़ी जली हुई और उसके नीचे कोई तावीज़ ज़ाफ़रान से लिखा हुआ, जैसे पता नहीं अदद लिखते हैं क्या वो ब्रैकेट्स बना के पूरे डब्बे से बना के, वो भी किसी के घर से निकला, तो क्या ये जादू हो सकता है, कोई अमल हो सकता है? जी ज़ाहिर है कि अगर तावीज़ उस पर बना हुआ है, ब्रैकेट बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं या कोई पुतला बना हुआ है तो ये जादू ही है, और
जादू हुआ है, उसका असर हुआ है या नहीं हुआ, ये तो बाद की बात है। लेकिन उसको जो है वो जो लकड़ी है इसमें उसको जला देना चाहिए, घर से बाहर आके उसको जला दें, उसकी राख फेंक दें, इंशाल्लाह ताला उसका असर ख़त्म हो जाएगा। मैं ये भी पैगाम टीवी के तवस्सुत से अपने नाज़रीन को बताना चाहूँ कि जब जादू सामने आ जाता है ना तो 50% से ज़्यादा उसका असर ख़त्म हो जाता है जी। मसलन तवीज़ घर से निकले हैं, खुल गए हैं जी, और कोई पुतला अगर बरामद हो गया है या कोई ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं, तो आने से ही 50% असर उसका ज़ायल हो जाता है। बाकी अल्लाह का कलाम पढ़ें, अल्लाह का कुरान पढ़ें, जो बाकी असरात हैं वो भी अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाए, ज़ायल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा सर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कपड़े हैं नॉर्मल घर में कैबिनेट में रखे हैं या आपने हैंग किए हैं, उनमें सुराख होना शुरू हो जाए, कपड़ों में सुराख हो जाना, कपड़ों में कट लग जाना, घर में आग लग जाना और घर में पत्थरों का आना, पत्थरों की बारिश भी होती है, तो ये सारे जिन्नात की अलामत हैं। और ये जिन्नात जो हैं वो बजरिया जादू, ये अलामत पाई जाती है। जिस घर के अंदर ये मसला है तो एक तो ये है कि वहाँ पर उस घर के चारों कोनों में अजान दी जाए। अच्छा, क्योंकि जहाँ पर अजान दी जाती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शैतान जो है वो अजान सुनते ही वो भाग जाता है, भाग जाता है, बल्कि के जब वो भागता है तो उसकी आवाज़ खारिज होती है जी। तो घर के अंदर जब अजान चारों कोनों में दी जाए और किबला रूह हो के दी जाए और बावजू हो के दी जाए, तो फजर की नमाज के वक्त और मगरब की नमाज के वक्त जो है ना वो बाकायदा फिज़िकली अजान देने के और असरात हैं, रेडियो टीवी पर अजान के और असरात हैं। ओ, बड़ा अहम पॉइंट है ये। जी जी, ओके ओके। ये नहीं है जी कि वैसे तो देखें अभी हम यहाँ बैठे हैं तो जो हमारे करीब की मस्जिद होगी उसकी आवाज़ भी आएगी जी। अगर हमने यहाँ पर टीवी ऑन किया है तो नमाज अजान का वक्त हो गया तो उस पर भी आवाज़ आएगी। लेकिन नहीं, ये अमल नहीं है, ये इलाज नहीं है। उसके लिए फिज़िकली एक बंदा अजान दे, बावजू हो के दे, किबला रूह हो के दे पूरे अहतमाम के साथ। दूसरी बात यह है कि उस घर में कम अज़ कम कोई एक शख्स आयतुल कुर्सी 100 मरतबा पढ़े। अच्छा, दुरूद इब्राहिम लाजम पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतनी जल्दी अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाएंगे। तो वो आयतुल कुर्सी जो है ना वो फिर के पढ़े घर में। अच्छा, चलते हुए जी, और थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में। ओके, जिस तरह बंदा गुनगुना के पढ़ रहा है, बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं, दरमियानी आवाज़, दरमियानी भी आवाज़ में वो चलते चलते वो फिर के पढ़े जी। और कम अज़ कम ये 11 दिन। अच्छा, ये करें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये कपड़ों का कटना वो और ये सारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा बाबर भाई, कम से कम 11 और मैक्सिमम क्या हो सकता है? जब तक ठीक नहीं होता। अच्छा, आप करते भी वैसे भी दूसरा जी। अभी मेरे जिन में प्लीज प्लीज अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊजु बिका मिन शुरूरिहिम, इसकी 5 तस्बीहात की जाएं। अच्छा, अल्लाह जो भी हैं हमें नज़र नहीं आते, हमारे कपड़े कटते हैं, आग लगती है, अल्लाह इन जो भी हैं शयातीन हैं जिन्नात हैं इनके शर से महफूज फरमा। ठीक है, इसको एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा दोबारा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊजु बिका मिन शुरूरिहिम। ठीक है, ये जिन्नात और शयातीन का तसव्वुर करके 500 मरतबा सुबह, 500 मरतबा शाम को पढ़ा जाए और पूरे घर में चारों तरफ फूंक मारी जाए कि अल्लाह जो भी शयातीन हैं, जिन्नात हैं, इन सब के शर से महफूज फरमा। इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त अमल है कि वो जिन्नात घर खाली छोड़ के भाग जाएंगे माशाल्लाह। अच्छा सर, जो कपड़े कट गए या जिन पे सुराख हो गए उनको क्या किया जाए, उनको तलफ कैसे किया जाए, जलाया जाए, फेंका जाए, क्या किया जाए उनका? दो सूरतें हैं उसकी जी, या तो उनको जला दिया जाए और राख जो है वो बाहर फेंक दी जाए, या फिर उनको चलते हुए बहते हुए पानी में कहीं बहा दिया जाए। बहते हुए पानी में बहाने से भी जो जादू के असरात हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं। चलते पानी का? जी जी, चलते पानी। वो नदी हो सकती है, वो कोई नहर हो सकती है? हाँ जी, नहर हो या दरिया हो, दरिया हो जी, क्योंकि पानी जो है ना ये बहुत सारे ये बजाते खुद एक फिल्टर है और बहुत सारी चीज़ों को पाक करता है, तो बहता हुआ पानी पाक है, ये नहर का पानी, ये दरिया का पानी, इस तरह के पानी में उसको फेंक कर। अच्छा सर, एक चीज़ फरमा दीजिए क्योंकि वक्त कम है, तो सवालात तो जितने मैंने शामिल कर लिए, लेकिन एक चीज़ कि अगर ये सारी चीज़ें होने से पहले
हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं कि हम अल्लाह की पनाह में रहें, उसके हिसार में रहें, हम कौन सी दुआएं कर लिया करें, हम क्या पढ़ लिया करें कि नौबत यहाँ तक पहुँचे ही ना। जी देखें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। जी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। जी बेशक उसकी फजीलत और भी बयान की है, लेकिन हर नमाज के बाद जो बंदा कम अज़ कम एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है वो हर जिन से और हर शैतान से महफूज हो जाता है। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह तीन मरतबा पढ़ ले बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, तो शाम तक जो है वो उस पर कोई जादू असर नहीं कर सकता, कोई उसको दुनिया की चीज़ जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सकती। फिर आपने फरमाया कि तीन मरतबा जो यही शाम को पढ़ ले, सुबह तक वो उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। फिर फरमाया कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्री मा खलक, जो तीन मरतबा सुबह पढ़ ले शाम तक वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, जितने भी अल्लाह की मखलूक में शर हैं सबसे अल्लाह पाक उसको बचा लेते हैं। जो शाम को पढ़ लेता है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्री मा खलक, तो वो सुबह तक अल्लाह पाक की हिफाजत में रहता है, अल्लाह की पनाह में रहता है। अच्छा, एक रवायत के अंदर ये आता है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति कुल्लिहा मिन शर्री मा खलक, तो दोनों तरह के अल्फाज मौजूद हैं, चाहे कुल्लिहा के साथ पढ़ ले चाहे मिन शर्री मा खलक के साथ पढ़ ले। ये चीज़ें पढ़ने के साथ इंसान अल्लाह की पनाह में आता है, अल्लाह की हिफाजत में आता है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह 10 मरतबा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो वो इंसान भी फिर अल्लाह की पनाह में आ जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये अज़कार ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, सिखाए हैं। ये करने से इंसान जो है वो जिन्नात से भी बचता है, जादू से भी बचता है, शयातीन से भी बचता है। और फिर दूसरी बात कि इंसान को चाहिए कि वो गाहे बगाहे सदका करता रहे, सदका भी जो हर बीमारी से बचाता है, हर बला से बचाता है, हर आने वाली आफत और मुसीबत से इंसान को बचाता है। अच्छा सर, यहाँ पर चलते चलते एक चीज़ और बता दीजिए कि ये तो अपने लिए हो गया, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माल के लिए, उसके लिए भी कोई दुआ है वो भी फरमा दें जी। उसके लिए देखें, ये जो अज़कार हैं जी, ये पढ़ के आप अपने बच्चों पे दम करें, उसके साथ जो मुअव्वज़ैन हैं, सूरह फलक है, सूरह नास है, सूरह इख़लास है, सूरह इख़लास को भी साथ शामिल करें, सूरह फातिहा को भी शामिल करें। तो ये पढ़ के अपने बच्चे जो आपके छोटे हैं, बड़े हैं, काम पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो सुबह शाम उन पर दम करें। इस दम की इंशाअल्लाह ताला कुरान की बरकत इतनी है कि अल्लाह पाक महफूज रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रोज़ाना सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते और अपने आप पर दम करते। दम का तरीका ये होता है, हुजूर अपने हाथों पे फूंक मारते और फिर उसको अपने जिस्म पर फेरते, सर पे फेरते, जहाँ जहाँ तक आज जा सकता था आप उसको ले जाते। ये मसनून है, ये मसनून है। फिर जब आपके आखिरी अयाम थे, बीमारी की वजह से नकाहत थी, कमज़ोरी थी, नहीं हो सकता था, तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि वो पढ़ के फिर आपको दम करती और हाथों पे फूंक मार के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथहर पर जो है ना वो हाथ फेर देती। इसी तरह फिर जिब्रील अमीन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके दम किया करते थे। जिब्रील अमीन वो दम किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, मिनकुल शैइन यूज़ी का, मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अरकीका। ये दम जिब्राइली है, ये जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा तौर पर दम करते थे। तो ये दम हम अपने आप को भी करें, अपने बच्चों को भी करें, अपने अहल अयाल को भी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर आफत से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से, हर जिन जादू साई से इंशाअल्लाह अल्लाह महफूज फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूँगा बाबर फारूक रहीमी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपके साथ मौजूद रहे मोहम्मद नौमान फारूकी साहब। सर, आपने आज जो फरियाद सुनाई वो फरियाद दिल में उतर गई, घर कर गई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर फरमाए, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। अब मामला ये है जी कि जैसे ही ये कुरान की फरियाद मैंने सुनी है, यकीनन आपने भी सुनी होगी, हम सबको यही लगा कि कुरान करीम को हम क्या सिर्फ रमज़ानुल मुबारक तक महदूद कर देते हैं? ये वो काम है जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने हैं, जो हमें डेली रूटीन में शामिल करने हैं। हमें कुरान करीम को पढ़ना है, समझना है, सुनना है, सीखना है इसमें से कि हमारी हर मुश्किल में, हमारे ज़िंदा रहने में, हमारे इस दुनिया में रहने और इस दुनिया से जाने के बाद क्या रहनुमाई मिलती है,
ज़िंदगी के तमाम रमूज इसमें शामिल हैं। कुरान करीम की फरियाद ने आज हमें बताया और सुन के मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुखातिब ही मुझसे है, आपको भी यही लगा होगा, तो हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।